अवैध मादक पदार्थ तस्करी पर अंकुश लगाने हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें मनासा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक नीमच सूरज कुमार वर्मा के मार्गदर्शन में तथा मनासा थाना प्रभारी कन्हैया लाल डांगी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा पकड़ने में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस द्वारा दो कारों से ले जाया जा रहा 124 किलो डोडा चूरा जब्त किया जाकर एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। प्राप्त जानकारी अनुसार रात में मनासा पुलिस को सूचना मिली थी कि तस्कर दो कारों में डोडा चूरा लेकर नीमच की तरफ जाने वाले हैं। सूचना पर खेल मैदान के सामने कुंडखेड़ा पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने दो कारों को रोका। कार चालक विशाल पिता मानसिंह गुर्जर निवासी लसूड़िया आत्री, कन्हैया लाल पिता रामेश्वर जाति गुर्जर निवासी ग्राम लसूड़िया आत्री थाना कुकड़ेश्वर जिला नीमच को गिरफ्तार कर लिया है। मनासा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए आरोपियों के कब्जे वाली कारों से एक क्विंटल 24 किलो डोडा चूरा बरामद कर दोनों ही कारों को जब्त करते हुए आरोपियों के विरुद्ध NDPS एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है और डोडा चूरा के संबंध में पूछताछ की जा रही है। हमारी टीम को सूचना मिली कि दो कार जिनमें की डोडा चूरा है वो नीमच तरफ जा रही है और बड़कुआ तरफ से आ रही है। इस पर हमारी टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए निर्धारित स्थान समय पर कार्रवाई की गई, जिसमें आगे चल रही कार को रोका तो उसमें कार चलाने वाले जिसका नाम कन्हैया लाल गुजर उसकी गाड़ी को रोक दिया और उसके पीछे आ रही कार को हाथ देने पर उस कार वाले ने जिसका नाम कि विशाल गुजर है उसने हमारे जवान जिसका नाम अनिल धनगर है उस पर गाड़ी को चढ़ा दिया, जिससे वो बाल बाल बचा है। इस तरह से दोनों कारों को पकड़ करके हमने दोनों कारों से एक क्विंटल 24 किलो डोडा चूरा जब्त किया है और दोनों आरोपियों पर कन्हैया लाल गुजर और मौके से कार पुलिस पर चढ़ाकर भागे आरोपी विशाल गुजर पर हमने प्राणघातक हमला धारा 307, 353, 332 NDPS एक्ट और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की है। दोनों आरोपियों पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। आरोपी को न्यायालय में पेश कर पुलिस समन लिया गया है, पूछताछ की जा रही है, साइबर सेल इससे मदद ली जा रही है और इस घटनाक्रम में कौन कौन लोग संलिप्त है, इसके स्रोत में कौन संलिप्त है, गंतव्य कहाँ है, इन सारे बिंदुओं पर हम जाँच कर रहे हैं और इसमें जो जो लोगों की संलिप्तता आएगी सभी को आरोपी बनाया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। करीब कितने लाख कम बढ़ा था सर? ये डोडा चूरा करीब 3 लाख रुपए का है और दोनों कार करीब 25 लाख रुपए की है। इस तरह से करीब 28 से 30 लाख रुपए का वाहन और डोडा चूरा बरामद हुआ है।